नहीं पड़ेगी। पूरा ट्रीटमेंट नहीं छुआ। अब डॉक्टर नर्स क्या बोले, मैं आपसे हाथ पे करना डिलीवरी बोल के नर्स मैडम को बोली मैं, तो नर्स मैडम क्या करे, बच्ची को पेन हो रहे से देख के भी मेरे को दूसरी ड्यूटी है मेरे को बोल के चले गए, मैं दूसरी डॉक्टर को भेजती हूँ बोल के। वो दूसरी डॉक्टर कोई नहीं थे, उन्होंने नर्स है उनको डिलीवरी करना नहीं आया। उनका नाम अनीस है, अनीस है और वो ट्रेनिंग की बच्ची है, एक नेहा नाम है वो बच्ची का। ये दोनों मिलके मेरी बच्ची की डिलीवरी करे और वो बच्चे को मार दिए। डिलीवरी होने के बाद मेरा बच्चा, मेरा नवासा, मेरी बच्ची का बच्चा नवासा मेरा मर गया, पूरा उदा उदा हो गया। क्या हुआ बोल के बोले तो बिल्कुल नहीं बोले। कोई बच्चों का डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर को फ़ोन करो बोले तो नाश के मियाँ को, नाश जो नबीला नाश के जो शौहर है उन्होंने बच्चों के डॉक्टर है बोल के बोले, मगर उनको फ़ोन करे तो बच्चा पूरा मर गया। बच्चा मरे बाद उन्होंने एक घंटे के बाद आए, बच्चा पूरा ब्लू हो गया, उदा हो गया, बच्चा पूरा अकड़ गया था। तो ये ऐसा मेरे को फैसला होना, इसका इंसाफ होना। मेरी बच्ची ऐसा दुनिया की, मेरी बच्ची बीमार है अभी, इसमें दुनिया की तकलीफ है। वो अनीस जो है ना, उन्होंने ज़रा भी इलाज नहीं करे मेरी बच्ची का, पेट साफ नहीं करे उन्होंने, ना कोई सफाई करे, मेरी बच्ची को चीर फाड़ कर दिए उन्होंने जी। सुबह में 8 बजे आई मैं, बच्ची को दर्द हो रहे थे, 8 बजे सुबह में शरीक हुई मैं आके, तो उन्होंने 9 बजे आए नबीला नाथ आके, उन्होंने बोले नहीं नहीं मेरे को ड्यूटी है, मैं जले आती हूँ, मैं दूसरी डॉक्टर को भेजती हूँ। तो हम कोई दूसरी अच्छी डॉक्टर नहीं समझे, वो कोई दूसरी डॉक्टर नहीं थी, उन्हें नर्स भी नहीं है उन्हें। मैं डिलीवरी करती हूँ बच्ची को, जबकि पेन हो रही टॉयलेट को जाओ बोल के पैदल खिजा दिया उन्होंने चल लेते हुए। फिर वो बच्ची को जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, तुम जल्दी करो, तुम्हारे को डिलीवरी रूम में ले जाना है बोल के बच्ची को हैबत दिला दी। लेके जाके बच्ची को इतना ख़राब चीर फाड़ करे, बच्ची दुनिया के तकलीफ में हो गई। उसके बाद बच्चा पैदा हुआ तो बोल रहे थे बच्चे को क्या हुआ बोल के पूछ रही मैं। आप देखे बच्चे को? जी हाँ मैं देखी, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा रोया ही नहीं पैदा हुए बाद, आने से खींचे उन्होंने, ये पूरा स्क्रैच पिशानी पे सर पूरा छीले गया बच्चे का। पूछ रही मैं बच्चे को क्या हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं बोले, नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। बच्चों के डॉक्टर को बुलाते बोले, एक घंटे के बाद दोनों आए, बच्चा पूरा अकड़ गया। उसके बाद दुर्शावर को ले जाओ, वो ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो नहीं है बोल दी। नबीला नाज आए ना उनके शौहर आए, ये अनीस कर दी बड़े बच्चे का वाटोला। मेरे को इसका इंसाफ होना और ये दवाखाना सीस हो जाना, बंद हो जाना, कोई दूसरों के साथ ऐसा नहीं होना, हम आपको इसका इंसाफ होना। बच्चों को दवाखाने में अभी क्या है, उस्मानिया दवाखाने में रात के 3 बज रहे, हम जो सुबह में 8 बजे यहाँ के शरीक हुए, 11:30 को बच्ची की डिलीवरी हुई, 11:30-12 बजे से हम जो दवाखानों को फिरे, तो आज तक भी अभी तक भी दवाखानों में फिर के आए, बच्चे को उस्मानिया में डिपॉजिट करा। आपको कब पता लगा कि बच्चे का ऐसा हादसा होगा? सुबह में 11:30 को, 11:30 को बच्चे का इंतकाल हो गया। कंप्लेन करें, पुलिस कंप्लेंट करें। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बच्चे से आप लोगों को मिलने के लिए काफी देर करा, बहुत देर करे, बहुत हमारे दिखाए नहीं, लेने के बाद हाफ एन आवर तक सिर्फ बच्चे को टैप करते रहे, कोई पीडियाट्रिक नहीं है, पीडियाट्रिक को बुलाओ बोलते सिर्फ आ रहे बस इतना ही बोल रहे थे। पूरा बच्चा ब्लू होने के बाद में से जब बोल रहे, हम लोग रेफरेंस दे रहे आप लोगों को, वहाँ पर जाइए आप लोग, कहाँ दुरेश्वर को गए तो दुरेश्वर वाले बोल रहे कि आप लोग रेनबो या होप पे जाइए, हम ये बच्चे को नया अपॉइंट कर सकते। तो फिर होप पे गए तो होप पे यहाँ के डॉक्टर कलीमुद्दीन पीडियाट्रिक उन्होंने कुछ बोल दिया वहाँ पर, उन्होंने बोल रहे हम नहीं करते, नीलोफर को लेके जाइए, नीलोफर में टेक्नोलॉजी फास्ट है, वहाँ पर आपका बच्चा बचता। नीलोफर में गए तो नीलोफर वाले बोल रहे कि ये बच्चा ऑलमोस्ट डेथ है, हम लोग वेंटिलेटर डाल के देखते, बोले वेंटिलेटर पे रखे, अब रात में 3 बजे बच्चे की डेथ हो गई। बच्चा कोमा में हो गया था, पैदा होते बच्चा कोमा में चले गया, कोमा के 3rd स्टेज पे बच्चा पहुंच गया था, पूरा ब्लड निकल रहा बच्चे के मुंह में से, पूरा उसके इन्फेक्शन हो गया, बच्चा को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, पूरा डैमेज हो गया, बच्चा खुद भी पूरा डैमेज हो गया। पूरे पेशेंट के साथ क्या करें, पेशेंट कैसा है? बहुत मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है अभी भी, बच्ची को चीर फाड़ कर दिए, बच्ची को भी कोई सही ट्रीटमेंट नहीं दिया उन्होंने, ना बच्ची को कोई दवा दिए, अभी बच्ची को झिड़कियाँ दे के डिलीवरी रूम में इतने बुरे तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करे बच्ची को, बच्ची को कहीं उठा के बिठा दे रहे बेड पे, नहीं जो तो झीका मारे उन्होंने, झिड़कियाँ दे रहे बच्ची को, दर्द लो झूठ ऐसा करें वैसा करें बोल के झूठ झूठ बातें करें,
झिड़कियाँ दिए बच्ची को, बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल करे बच्ची को, और बच्ची को नई नई से जगह पे डैमेज कर दिए कि अनीस को पुलिस कंप्लेंट करना, अनीस की नौकरी चले जाना और ये नबीला नाज की भी पूरी नौकरी चले आना, ये दवाखाना हॉस्पिटल सीज हो जाना, ये नबीला नाज का जो हॉस्पिटल है या खुदपुरे पे सब कुछ जेल को भेजना, मेरे बच्चे के साथ जैसा मेरे नवाजे के साथ हुआ और किसी के साथ ऐसा ना इंसाफी ना होना, मेरे को इंसाफ होना।